बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी, लाइब्रेरियन चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर से बैठ के किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड बुक या आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा लाइब्रेरी के नाम से। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे एक और टैब आपको मिलेगा ओपैक। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप लाइब्रेरी के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी किस्म के यूज़र नेम या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी बुक जो आपके रिक्वायर्ड है कि वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है, तो इस सर्च बार में आप टाइटल, ऑथर या कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कीवर्ड है मिल्क प्रोटीन। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिल्क प्रोटीन के नाम से कोई बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर मिल्क प्रोटीन टाइप करके मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पर ये एक रिज़ल्ट शो कर रहा है मिल्क प्रोटीन्स बाय हरजिंदर सिंह, और इसकी कुछ डिटेल भी यहाँ पर वो मुझे दे रहा है। तो अगर फर्दर डिटेल इसकी चेक करना मकसूद हो तो इस टाइटल पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अमेज़ॉन की साइट पे ले आएगा। और यहाँ पर एक नोट है लुक इनसाइड या इस टाइटल पेज पे, इन दोनों में से हम किसी एक पे जब क्लिक करेंगे तो इस बुक की फर्दर डिटेल भी देगा। और अगर ये बुक कहीं इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है तो ये बुक यहाँ पर ओपन भी कर देगा। यहाँ पर ये इस बुक के कुछ पेजेस भी हमें अवेलेबल हो सकते हैं और कुछ चैप्टर्स भी पढ़ने को मिल सकते हैं, या कंप्लीट बुक भी ये हमें पढ़ने को मिल सकती है। इसी तरह हमें कुछ यहाँ पे फ्री ई बुक्स के नाम से लिंक मिलते हैं, हम यहाँ से भी अपनी रिक्वायर्ड बुक को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक HEC ओपन एक्सेस बुक्स का लिंक भी है, और इसी तरह एक PDF ड्राइव का लिंक भी है। तो यहाँ से अगर हम PDF ड्राइव में जाएं जहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में फ्री बुक्स मिल सकती हैं, तो अगर मेरा एक रिक्वायर्ड बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को जब यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें बुक्स की एक लिस्ट ओपन हो जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और फुल टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर एक बुक है शाम्स आउटलाइन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 3rd edition। तो जब मैंने इस टाइटल को क्लिक किया तो ये बुक ओपन होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से व्यू भी कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये मुझे व्यू कराएगा, इस बुक के बारे में डिटेल देगा और इस बुक का बताएगा कि कितने पेजेस हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके 490 पेजेस हैं, और अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से जस्ट डाउनलोड के ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बुक कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये बुक को डाउनलोड कर रहा है, और इसके बाद इसकी एक ऑप्शन शो करेगा जहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फुल टेक्स्ट PDF की फाइल में आपको बुक डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF के ऑप्शन को जब मैंने क्लिक किया तो बुक यहाँ पर अभी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्द ही आपको बुक डाउनलोड कर देगा यहाँ से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फुल टेक्स्ट बुक जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसको अपने कंप्यूटर पे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं और वक्तन फवक्तन इसको रीड कर सकते हैं। ये बुक आपको कंप्लीट PDF में यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह हम वापस अपने लाइब्रेरी के मेन पेज पे आते हैं।
और आपको यहाँ पर कुछ और लिंक्स भी मिलेंगे, जैसे IMF लाइब्रेरी, वर्ल्ड रजिस्टर लाइब्रेरी है, गूगल बुक्स, जे स्टोर, एब्सको, ओपन विजिटेशंस, स्प्रिंगर लिंक्स, इन तमाम रिसोर्सेज से आप अपना रिक्वायर्ड मटेरियल को बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये एक और लिंक है, स्प्रिंगर लिंक ई बुक्स के नाम से। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया है, और इसी तरह मैं दोबारा से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से कीवर्ड सर्च देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं जहाँ से हम अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये बुक मुझे रिक्वायर्ड है और जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बुक का कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे मेंशन है ओपन एक्सेस बुक है स्प्रिंगर लिंक की तरफ से, और आप इस बुक को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये बुक कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गई है, और ये सारी बुक यहाँ पर अब मुझे अवेलेबल है, और अब मैं इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं और यूज़फुल लिंक्स हैं, इनको आप आसानी अपने घर से बैठे हुए इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने रिक्वायर्ड मटेरियल तक न सिर्फ बआसानी पहुंच सकते हैं बल्कि अपना रिक्वायर्ड मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल चाहिए है तो आप इस साइट पे, राइट साइड पे आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स का एक टैब मिलेगा, और इसके नीचे HEC ओपन एक्सेस जर्नल्स, डुआज और इस तरह के और भी लिंक मिलेंगे। तो अगर मैं डुआज पे जब इसको क्लिक करता हूँ या HEC के लिंक पे क्लिक करता हूँ डिजिटल लाइब्रेरी के, तो ये ओपन एक्सेस डेटाबेसेस हैं जहाँ से आपको बगैर किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे किए या परचेज किए आपको मटेरियल डाउनलोड हो सकता है। सेम अगेन मेरा कीवर्ड है मिल्क प्रोटीन्स, और मैं इसको टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि मिल्क प्रोटीन्स पे कोई आर्टिकल्स अवेलेबल हैं ओपन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट ओपन हो रही है। अगर मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ से क्लिक करूँगा और एब्स्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, और अगर इसको मैं फुल टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ तो फुल टेक्स्ट को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका फुल टेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास डाउनलोड हो गया है। इस तरह से मैं अपना रिक्वायर्ड आर्टिकल को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरह आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई थीसिस अगर आप ढूंढना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थीसिस एंड डिसर्टेशंस के लिंक के नीचे पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, HEC का जो है पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, उसका लिंक मिलेगा। HEC बेसिकली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं थीसिस उनको डिजिटाइज कर दिया है और ओपन कर दिया है कि कोई भी यहाँ से किसी भी थीसिस को रीड कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। मेरी दोबारा वही कीवर्ड है, अगर मैं मिल्क प्रोटीन को दोबारा से यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें कोई फरजाना सिद्दीक साहिबा हैं जिन्होंने एक थीसिस लिखा है मिल्क प्रोटीन के हवाले से। यहाँ पे आप इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, इस थीसिस की डिटेल यहाँ से आपको मिल सकती है, और किस यूनिवर्सिटी ने ये थीसिस प्रोड्यूस किया है उसका नाम भी मिल सकता है और ईयर भी आपको मिल सकता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट के नीचे अगर आप देखें तो ये कुछ लिंक हैं, और अगर मैं ये कंप्लीट थीसिस को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे इस PDF का जो लिंक है, फाइल नेम है और ये इसका PDF लिंक है, इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो इसकी फुल टेक्स्ट PDF फाइल यहाँ पे मुझे डाउनलोड हो गई है, और अब मैं इसको चाहूँ तो अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकता हूँ कहीं पर भी।
ये पूरा थीसिस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ कि HEC डिजिटल लाइब्रेरी का एक यहाँ पे टैब है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो HEC के नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ये ऑफिशियल पेज पे यहाँ आपको ले आएगा, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक सर्च बार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सर्च ऑल HEC इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो अगर आप HEC ने जो रिसोर्सेज सब्सक्राइब कराए हुए हैं, चाहे वो लाइब्रेरी ई बुक्स के हवाले से है या ओपन एक्सेस हैं या जो पेमेंट करके HEC ने इन प्रीमियर सोर्स डेटाबेसिस को सब्सक्राइब कराया हुआ है, तो इसकी देखें तो बहुत बड़ी एक लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ये किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल वन बाय वन एक एक डेटाबेस को, जो कि बिगनर्स हैं, जो एडवांस लर्नर्स हैं या वो स्कॉलर्स हैं, तो उनको तो पता है कि मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल कहाँ से मुझे मिल सकता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वो इन एक एक डेटाबेस में से सर्च करें, ये तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर एक ही बार में इसको सर्च करें और ये आपका जो रिज़ल्ट है HEC के तमाम रिसोर्सेज में से फिल्टर करके आपका रिक्वायर्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोबारा मिल्क प्रोटीन मेरा सर्च कीवर्ड है। जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखता हूँ कि कोई HEC के जो डाटाबेसिस हैं उसमें ये कोई मेरा रिक्वायर्ड डाटा मौजूद है या नहीं है। ये देखिए कि ये एक हमारे पास लिस्ट ओपन हो गई है जो कि स्पेसिफिकली HEC के रिसोर्सेज में से यहाँ पर मुझे अवेलेबल है। और इसके रिजल्ट जो हैं वो 421,030 रिजल्ट उसने मुझे शो किए हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये तमाम लिंक जो हैं ये फुल टेक्स्ट आपको अवेलेबल शायद ना हो। यहाँ से आप इसको जब ओपन करेंगे तो मे बी कि आपको ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तक लिमिटेड करे और सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप को अगर इन तमाम रिसोर्सेज से भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप हमें हमारा जो ईमेल आईडी है इसके ऊपर अपना रिक्वायर्ड मटेरियल का लिंक भेज सकते हैं या उसका टाइटल, आथर और उसके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल हमें प्रोवाइड करें। तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में आपको आपका रिक्वायर्ड मटेरियल की PDF फाइल ईमेल के ज़रिए आपको हम पहुँचाएँ। आप अपने रिक्वायर्ड मटेरियल की जो रिक्वेस्ट है या डिमांड है इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं और लाइब्रेरी स्टाफ ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आपका रिक्वायर्ड मटेरियल थ्रू नेटवर्किंग या रिसोर्स शेयरिंग विद अदर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आपको ये मटेरियल मिनिमम टाइम में प्रोवाइड किया जा सके। तो सेम रिक्वेस्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं और सेम ईमेल आईडी के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के थ्रू आपको आपका रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो मुहैया किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए नाकाफ़ी थी और आप मज़ीद इस पर कुछ लाइब्रेरी स्टाफ से हेल्प लेना चाहते हैं तो थ्रू योर कंसर्न्ड HOD आप लाइब्रेरियन को एक रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं जिसमें पूरी क्लास को एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन दी जा सकती है वाया गूगल मीट या जूम। जिसमें कोशिश हम कर सकते हैं कि आपको बेसिक सर्चिंग टेक्निक्स के अलावा कुछ एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स का भी बताएं ताकि आप पिन पॉइंटेडली अपने रिक्वायर्ड मटेरियल को डाउनलोड कर सकें या उसको हासिल कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से स्मार्ट सर्चिंग टेक्निक्स के थ्रू
अपनी आप सर्च को इफेक्टिव कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो सर्च इंजन हैं फॉर एग्जांपल गूगल के, किस तरह से आप अपना पिन पॉइंटेडली अपने रिक्वायर्ड मटेरियल तक बआसानी पहुंच सकते हैं। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।